बीजेपी नेता अशोक तंवर हमारे साथ मौजूद हैं। एक बड़ी मुलाकात हरियाणा प्रभारी विप्लव देव से उनके निवास पर हुई है, करीबन 40 मिनट से ज़्यादा ये मुलाकात हुई है। सर, आज बड़ी मुलाकात प्रभारी से हुई, आपकी क्या क्या बातें सर? ये तो पार्टी का कार्यभार देख रहे हैं हरियाणा का, और महासचिव हैं पार्टी के, तो एक ज्वाइन करने के बाद, क्योंकि उस दिन प्रभारी जी नहीं थे दिल्ली में, किसी कारण से वो बाहर मैंगलोर गए थे, तो उसके बाद आज वो जब पहुँचे हैं तो उनसे मुलाकात करी, उनसे कुछ मार्गदर्शन लिया। लंबा उनका अनुभव है राजनीति का, संगठन का भी, सरकार चलाने का भी, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे में विभिन्न मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई है, और आने वाले समय में और ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइनिंग किस तरीके से हो, क्या अपेक्षाएँ पार्टी संगठन की उनकी हमारे से हैं, तो सारे विषयों के ऊपर बात आज सर। हरियाणा को लेकर अनुभव तो आपको भी काफ़ी लंबा रहा है, क्योंकि आप प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं कांग्रेस में, और काफ़ी हर एक विधानसभा में आप लगातार कार्यक्रम भी करते हुए नजर आ रहे, तो सर किस तरीके की रूपरेखा आ गई? नहीं, उन्होंने कहा है कि आपके जो अनुभव है संगठन में, जो काम किया है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो चाहे हरियाणा के स्तर पर हो, उसका पूरा लाभ लिया जाएगा। और हम तो पूरे एक भाव से आए हैं यहाँ पर कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को मजबूती दें, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को मजबूती दें, मनोहर लाल जी के नेतृत्व को मजबूती दें, और उसमें जहाँ जहाँ हमारा भूमिका हो सकती है इस देश को, प्रदेश को आगे बढ़ाने में, वो एक सकारात्मक भूमिका मैं भी और हमारे सारे साथी निभाएंगे। जल्दी बहुत से साथी, क्योंकि आपने उस दिन देखा हजारों साथी पहुँचे थे, तो सबकी एक प्रॉपर तरीके से ज्वाइनिंग नहीं हो पाई थी, कुछ साथियों को पटके पहना दिए गए, लेकिन वो चंद हो सकते हैं। तो जहाँ हजारों की संख्या में साथी हों, तो एक डिस्कशन के माध्यम से आने वाले समय में उनकी ज्वाइनिंग हो, उनकी शक्ति का हम हरियाणा की बेहतरी के लिए उपयोग कर सकें, एक अच्छा नेतृत्व तो और मजबूती से निकल कर के आए, 2024 की जीत सुनिश्चित हो, ये तमाम मुद्दों को लेकर के बातचीत हुई है, और बहुत सकारात्मक मैं समझता हूँ कि ये चर्चा भी रही, और उनका जो मार्गदर्शन रहा उससे हम भी एनलाइटन हुए। सर एक आखिरी सवाल, आप प्रदेश के काफ़ी बड़े और कद्दावर नेता हैं सर, आगामी लोकसभा चुनाव की बात करें, उसके बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव हैं, किस तरीके के सर देखते हैं सर बीजेपी का, क्योंकि विपक्षी पार्टियां ये कह रही है, कांग्रेस ये कह रही है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार अब बनती हुई नजर आएगी? देखिए, कांग्रेस कहीं दूर दूर तक आसपास भी नहीं फटकेगी जी सत्ता के, वो कहते हैं ना, बोले कुर्सी के चारों तरफ चक्कर तो काट सकते हो जी, हरियाणा के विधानसभा के चक्कर तो काट लेंगे, लेकिन उस कुर्सी पे मुझे नहीं लगता कि हरियाणा की जनता अब कांग्रेस को बिठाएगी या किसी और दल को बिठाएगी, या केंद्र में जो है वो किसी भी रूप में चुनौती है। कल जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, 550 साल बाद एक सपना पूरा हुआ देशवासियों का, तो उसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि कहीं दूर दूर तक कोई है। और साथ साथ उसके जिस तरीके से गरीब किसान मजदूर के हक में फैसले हुए हैं, जिस तरीके से देश का लगातार जो बुनियादी ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके ऊपर ध्यान दिया गया है, तो बहुत मजबूत स्थिति में भारतीय जनता पार्टी है, और अभूतपूर्व जनादेश के साथ केंद्र और प्रदेश में दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। बहुत बहुत धन्यवाद सर खबर अभी तक से बातचीत करने के लिए। तो ये थे बीजेपी नेता अशोक तंवर, जिस तरीके से उन्होंने हरियाणा प्रभारी विप्लव देव से मुलाकात करी है, और काफ़ी बड़ी ये मुलाकात है। खबरें अभी तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में अशोक तंवर ने कहा है कि विपक्ष चाहे लाख दावे कर ले कि हरियाणा में उनकी सरकार बनेगी, पर बीजेपी की प्रदेश में और केंद्र में सरकार बनती हुई 2024 में नज़र आ रही है। मेरे सहयोगी लक्ष्य के साथ राजा पटेल, दिल्ली, खबरें अभी तक।